गाइस आज के दिन हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। अब मैं इधर से गिरूंगा भी तो भी मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं क्रिएटिव में हूँ। अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता। अच्छा ये क्रीपर, ओ क्रीपर ओए, अब तू भी कुछ नहीं कर सकता मेरा। अभी ये क्रीपर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आज मैं क्रिएटिव मोड में खेल रहा हूँ, इसके लिए मैं आराम से उड़ते हुए जा सकता हूँ। अरे वाह, हम लोग को मिल गई विलेज, बहुत अच्छी विलेज है ये। इधर पे हमारा गोलम है कि नहीं? हेलो गोलम, किधर गया? हाँ ये रहा ना हमारा गोलम। हेलो। अरे वाह गाइस, ये देखो ये कितना मस्त घर है। ऐसा भी घर होता है क्या विलेजर्स के पास? भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इधर पे हम लोग बुक भी पढ़ सकते हैं। और ऊपर एक सेकेंड, लाइब्रेरी है कि घर है? इधर पे तो बुक वाली जगह है, इसका मतलब है कि ये लाइब्रेरी है। मैं अब रोऊंगा गाइस, अब मैं रोऊंगा। इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इसके आधे का आधा तो मेरा घर होगा। ये गांव कुछ ज्यादा ही अमीर हो रहा है। एक सेकंड गाइस, मैंने अभी अभी एक चीज नोटिस की, इतनी बड़ी लाइब्रेरी और इतनी कम बुक्स, और इधर पे कोई आता भी नहीं है। अरे तो क्यों बनाई है इतनी बड़ी लाइब्रेरी? जगह की वैसे ही इतनी तंगी चल रही है, मतलब माइनक्राफ्ट को छोड़ के हर जगह पे। वैसे ये तो थी हमारे विलेजर्स की लाइब्रेरी, लेकिन उन लोग के घर भी हम लोग देख लेते हैं। और ये रहे उन लोग के घर, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं एक घर के अंदर। ये घर तो नहीं लग रहा। ओए पिगी ओए, और ये तुम लोग का घर है क्या यार? ये पिगी का भी इतना बड़ा घर है यार, ये तो हद ही पार कर दी। ओए बाहर क्यों जा रहा है? ओए रुक जा, इतना बड़ा घर पिगी का? मेरा माइनक्राफ्ट का घर देखोगे ना पिगी लोग, हंस हंस के पागल हो जाओगे। तुम लोग से भी छोटा है मेरा घर। ये सच्ची में हंसने लग गए क्या? अगर ये विलेजर्स के पिक के घर इतने बड़े हैं तो इन लोग के घर कितने बड़े होंगे, मैं अभी देखता हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं इधर से, और अभी हम लोग जाते हैं उन लोग के घर के अंदर। और ये किसका घर है? एक सेकंड, नहीं ये तो नहीं है, ये तो कुछ और ही है। हाँ ये रहा ना विलेजर्स का घर। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, इतना छोटा घर। मतलब इन लोग के पिग का घर इतना बड़ा, इन लोग का लाइब्रेरी इतनी बड़ी, घर छोटा, और ये सब भी घर ही है ना? अरे हाँ ये सब भी घर ही है। ओ ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है भाई, ये वाला घर भी इतना छोटा। भाई मतलब क्या है, चल क्या रहा है ये? मुझे लगता है कि हम लोग को ये विलेजर्स के लिए मॉडर्न हाउस बनाना चाहिए। मुझे पता है सब लोग हंस रहे होंगे अभी। मेरे पास आज एक बहुत अच्छी चीज है जिसे मैं एक ब्लॉक से बना सकता हूँ मॉडर्न हाउस। मुझे पता है मैंने अब तक नहीं बनाया, लेकिन आज हम लोग बनाएंगे मॉडर्न हाउस, क्योंकि हमारे पास वन ब्लॉक वाला, एक सेकंड, वन ब्लॉक वाला घर वाला ब्लॉक कुछ भी नहीं है। अरे मतलब वन ब्लॉक से हम लोग घर बना सकते हैं। हाँ अब मैंने सही बोला, वो वन ब्लॉक नहीं, कोई ऐसा ब्लॉक होता है ना जैसे कि बेडरॉक है इधर पे, तो हम लोग ने इसे ले लिया, तो वैसा वन ब्लॉक। मतलब हम लोग को कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और हम लोग को मिल जाएगा मॉडर्न हाउस एक ब्लॉक से। बस उस ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा और फिर हम लोग को मिल जाएगा वो हाउस। ये रहे हमारे सारे के सारे ब्लॉक्स जिनसे हम लोग बना सकते हैं घर, जिसके अंदर ये विलेजर्स रह पाएंगे। और हाँ विलेजर्स, तो कहाँ चले गए? इधर ही थे ना विलेजर्स। ये मेरा कोई गिफ्ट नहीं है जो मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, ये दान है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो अभी हम लोग ये हाउस कहाँ पे स्पॉन करें, मतलब कौन सी जगह अच्छी है इसके लिए? तो पहले हाउस को मैं इधर पे स्पॉन करूंगा, गांव से थोड़ा दूर, क्योंकि बहुत सारे हाउसेस हैं हमारे पास। तो अभी मैं इसको इधर रखता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। और अभी मैंने इसको स्पॉन कर दिया। वाओ भाई ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार ये घर, ये देखो कितना मजेदार है, मजा आ गया इसको देख के। एक काम करते हैं गाइस, हम लोग इसको मुर्गे का घर बना देते हैं। अरे यार ये कहाँ भाग रहा है, रुक जा, अभी हम लोग मुर्गे को पकड़ेंगे। हाँ ये रही मेरी लिड, आजा मुर्गे आजा, अभी ये मुर्गा उड़ेगा। अरे वाह मुर्गा उड़ रहा है, अभी हम लोग लेके चलेंगे मुर्गे को अंदर। अंदर आजा मुर्गे, मुर्गे अंदर आजा। तो ये रहा हमारा मुर्गा और ये इधर ही रहेगा अभी, और मैं इसको ठीक कर देता हूँ। पहले तो ये इधर गया और ये इधर आ गया। अरे वो अंडा दिया हमारे मुर्गे ने। ओए मुर्गे ओए, थैंक यू फॉर अंडा। अब हम कहेंगे ऑमलेट। लेकिन गाइस ये देखो यार, ये मतलब ये घर है तो सही, लेकिन ये घर कहने लायक घर नहीं है, क्योंकि हम लोग सामान क्या रखेंगे? हमारा आर्मर वैसे है तो नहीं हमारे पास। उस टॉपिक पे हम लोग नहीं जाते। सोएंगे कहाँ पे? ये रेडीमेड घर देखो यार, ये रेडीमेड है पूरा का पूरा, एक ब्लॉक से निकला है ये। वो जो नहीं मैगी निकलती है एक पैकेज से, वैसे ही ये ब्लॉक से निकला। मैगी को 2 मिनट से ज्यादा लगते हैं, इसको 2 सेकंड से भी कम लगा। तो मतलब कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हम लोग ये हाउस को, ये तो मुर्गे का हाउस बन गया। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं, इसको एक और बार स्पॉन कर देते हैं हम लोग ऊपर। कर दिया मैंने। वाओ ये देखो गाइस, दुनिया में पहली बार हम लोगों ने घर के ऊपर घर स्पॉन कर दिया। ये दिखने में भी काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, सच कहो तो बहुत ही अजीब लग रहा है ये। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कर दिया। अब अगला वाला घर बनाते हैं हम लोग। अभी हम लोग अगला कहाँ पे बनाए? एक सेकंड, इधर पे बनाए कि ये पहाड़ के ऊपर?
अभी मैं ऊपर जाता हूँ और ये ब्लॉक को इधर रखता हूँ और इसको मैं खोल देता हूँ। वाओ ये देखो मैंने खोल दिया इसको। भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये तो भाई एकदम मतलब ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा यूनिक है। पहाड़ के ऊपर ऐसे किसी का घर हो तो भाई वो तो देख के मजा ही आ जाए दूर से किसी को भी। अगर गाइस आप लोगों को खरीदना है इसको तो इसको मैं बेचने वाला हूँ $10 trillion में। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, लेकिन अगर सब्सक्राइब किया होगा तो फ्री में मिल जाएगा, और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो लाइक भी कर देना। भाई तो इसके ऊपर दो दो फ्लोर है और इसके अंदर किसको हम लोग बिठाए, ये देखो ये रहा दूसरा फ्लोर और इधर पे भी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है ये घर, पर ये घर बहुत ज्यादा ही खाली लग रहा है क्योंकि इधर पे कुछ भी नहीं है, ये एकदम रेडीमेड मिला है हम लोग को। इधर पे विलेजर्स कैसे आएंगे ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ये विलेजर्स के लिए है ही नहीं। अभी मैं जो चीज करने वाला हूँ वो बहुत मस्त है, बहुत मजा आ जाएगी। सबको पता लग चुका होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, और ये लो स्पॉन मैं करना चालू कर दिया। अभी मैं बहुत सारे मुर्गे स्पॉन करूंगा, हर तरफ चिकन ही चिकन, ये देखो कितने चिकन आ गए। नीचे वाले फ्लोर में भी हम लोग चिकन भर देते हैं, और ये दरवाजे को पहले बंद करते हैं। ये देखो वाओ कितने सारे चिकन है इधर पे। चिकन ही चिकन, चिकन ही चिकन, चिकन ही चिकन। तो गाइस ये था मेरा चिकन वाला घर, अब मुझे चिकन की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों फ्लोर में चिकन ही चिकन भरे पड़े हैं। भाई ये बादल से टच हो रहा है, ये देखो मैंने ये मॉडर्न हाउस शुरू किया था अपने विलेजर्स के लिए, लेकिन ये चिकन को फायदा दे रहे हैं। चलेगा अभी हम लोग काम करने वाले हैं अपने विलेजर्स के लिए। ओए विलेजर ओए मैं आ चुका हूँ, अब मैं तुम लोग के लिए बनाऊंगा अच्छा सा घर। एक काम करते हैं हम लोग विलेजर्स के लिए इधर पे घर बना देते हैं, ये जगह अच्छी है। तो अभी मैं इधर पे खोलूंगा अपना स्टोन वाला ब्रिक वाला मेंशन, और ये देखो भाई ओ वाओ। तो ये मुझे लगता है कि ये विलेजर्स की जेल बन सकती है, लेकिन विलेजर्स का घर नहीं, ये एकदम प्रिजन जैसे लग रहा है दूर से, इसको हम लोग घर नहीं बुला सकते। अभी हम लोग दूसरा भी स्पॉन करके देख लेते हैं कि दूसरा कैसा है। तो अभी हम लोग इसको इधर पे स्पॉन करेंगे, ये तो और भी प्रिजन हो गया। अरे यार विलेजर्स के लिए मुझे प्रिजन नहीं बनाना है, मुझे घर बनाना है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी प्रिजन है, वाओ प्रिजन ही प्रिजन। देखो ये तो भाई ये तो नेक्स्ट लेवल का प्रिजन है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है ये देखते हैं। ओ ये रहा घर, मिल गया मुझे विलेजर्स का घर। वाओ ये है ना घर कोई खतरनाक वाला, लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है। गाइस आप लोग इसको मत देखना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही मैं मस्ती कर रहा था थोड़ा। अभी हम लोग इधर पे बनाएंगे विलेजर्स का घर, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ लेकिन अब मैं बनाऊंगा, और ये जगह अच्छी है। अभी हम लोग इधर पे बना देते हैं विलेजर्स का घर। ओए आ जाओ विलेजर्स, ओए ओए आ जाओ विलेजर्स, सब लोग आ जाओ, ये देखो तुम्हारा नया घर। भाई कितना मस्त लग रहा है यार ये। अभी हम लोग इसके अंदर जाके देखते हैं, और ये देखो भाई ये ट्री कैसे आ गई बीच में, पता नहीं लेकिन ये नेचर बहुत पसंद है विलेजर्स को, इसके लिए ये ट्री भी रहने देते हैं हम लोग। अभी मैं जाता हूँ ऊपर इधर से, और ऊपर देखते हैं हम लोग की ऊपर क्या है। अरे वाह यार ये देखो कितना मस्त जगह है ये, इधर पे हमारे विलेजर्स आराम से कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं गाइस अभी हम लोग ये वाला भी देख लेते हैं, फिर हम लोग वो पहले वाले जो थे ना उसको भी हम लोग इधर पे ला देंगे एक दो, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। इसके लिए मुझे लग रहा है कि हम लोग को वुडन वाला भी बना देना चाहिए क्योंकि इन लोग के थीम से मैच करेगा वो। ये भी बहुत मस्त है, और ये विलेजर्स कहीं पे भी रह सकते हैं। और ये क्या चल रहा है भाई, ये पानी के अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम दोनों क्या कर रहे हो भाई जरा बता दो, ये चुम्मा लेने की प्लानिंग कर रहे हैं लगता है ये लोग। हाँ हाँ ही कह रहे हैं। तो ये वाला तो घर बहुत मस्त है, अभी हम लोग इधर पे जाते हैं और इधर पे स्पॉन करते हैं हम लोग एक और घर विलेजर्स के लिए, देखते हैं कि कैसा है। और ये रहा वो घर, एक सेकंड ये घर नहीं है, ये तो वॉच टावर है। ए वाओ ये देखो ये बहुत मस्त वॉच टावर है, इधर से विलेजर्स देख सकते हैं दूर दूर तक। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इधर पे हम लोग एक दो स्पॉन कर ही देते हैं ये हमारे ये वुडन वाले घर, क्योंकि विलेजर्स को घर चाहिए, तो इसके लिए मैं ये स्पॉन कर देता हूँ, और ये उल्टा स्पॉन हो गया। चलेगा कुछ नहीं होता, विलेजर्स आराम से इधर रह पाएंगे। और ये बड़ा वाला घर भी इधर ही हम लोग स्पॉन करते हैं, इधर पे हम लोग कहीं पे करते हैं स्पॉन। हाँ ये जगह है ना एकदम मस्त, वाओ। और इधर पे हम लोग ने स्पॉन कर दिए विलेजर्स के घर, भाई कितना मजेदार है यार ये, देखो कितना मजेदार है ये घर सारे के सारे। हाँ ये पता लगे कि ये घर मैंने कहीं पे भी स्पॉन कर दिए, जैसे कि ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, लेकिन उसको कौन देख ही रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने इसको ऐसे ही तो नहीं बना दिया ना, एक काम करते हैं गाइस हम लोग एक काम करते हैं, ये जो गोलम दिख रहा है इसको इधर पे लेके चलते हैं। आजा गोलम आजा, तुझे मैं एक चीज गिफ्ट देने वाला हूँ। ये रहा गोलम का नया हाउस, इधर पे आराम से गोलम रहेगा। तो गोलम भी खुश हो गया, गोलम खुश हो गया ना, अबे बोल भी दे कि खुश हो गया। अच्छा हाँ गोलम कुछ बोलता ही नहीं है। और इधर पे विलेजर्स भी खुश हो गए, अरे भाई खुश हुए कि नहीं। हाँ सब लोग खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए। और ये तो जेल के नाम पे पता नहीं क्या है, सही है एकदम। हम लोग ने कहाँ पे घर बनाए हैं, हम लोग हर जगह पे घर बनाते रहते हैं, मतलब ये बहुत ही मस्त है। फिर गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।